हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसरो के प्रीवेसर के क्वेश्चन। ये हमारा सेट 18 है। इससे पहले मैं सेट 17 17 सेट अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप उनको देखिए फिर आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मशीनिंग प्रोसेस इन विच द वर्क पीस इज डिजॉल्व इन टू अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या फिर लेजर मशीनिंग। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन में क्या देते हैं, हम वाइब्रेशन देते हैं। उससे क्या माना कि ग्लास है, ग्लास है, यानी कि टू डिफरेंट टाइप के मटेरियल को भी हम अल्ट्रासोनिक से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या, करंट को फ्लो करते हैं और उसके बाद जो भी वर्क पीस रहता है उसकी मशीनिंग करते हैं। लेजर मशीनिंग में क्या, लेजर बीम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया हुआ है, इन आ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग कर रहा है, माना कि मेरे पास एक प्लेन कोई शीट थी उसको मुझे मोड़ना है, तो मैं उसकी मेटल फॉर्मिंग की करूँगा ना, तो क्या करते हैं, यानी कि इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए रहती है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ बट लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, लेस देन इट्स इलास्टिक लिमिट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह बनता है। तो क्या करते हैं, यील्ड पॉइंट रहता है उससे ज़्यादा हम इसका क्या करते हैं, यानी कि इसका डिफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट तो आखिर में फेलोर हो जाएगा, तो उससे कम स्ट्रेंथ रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ बस बट लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, यदि लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ करेंगे तो उसका सही से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि जिस शेप में आप डालना चाहते हैं उसमें नहीं होगा। ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ करेंगे तो मटेरियल ही आपका फेल्यूअर हो जाएगा। लेस देन इलास्टिक लिमिट तो उसका क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, वो अपनी पास ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज द 49, 8, 26, 36, MB, 24, द नंबर ऑफ 36। तो नंबर 36 किसके लिए होता है, देखिए अब मैं इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ, अटैक गेट टू गेट शीट इन बार्क। ठीक है, इन बार्क, ये आपको याद रखना है। तो ए से क्या हो जाएगा, एब्रेसिव, गेट से क्या हो जाएगा, गेट से आपका क्या हो जाएगा, ग्रेन साइज। ठीक है, गेट यानी कि पाना, ये वाले किससे क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और एच से क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और बी से क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो इसमें जो आपका 36 है वो किसको शो कर रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड को ये शो करना है। ठीक है, देखिए इसमें ये वैल्यू कुछ गलत दी हुई है, उस बेसिस पर हम आंसर करना है। लेकिन जनरली इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, अल्फ़ाबेट रहेगा, इसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसा रहता है इसका फॉर्मेट। ठीक है, एब्रेसिव कौन कौन से हो सकते हैं, आपका सिलिकॉन हो सकता है, डायमंड हो सकता है। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या, ग्रेड, सॉरी ग्रेन साइज, ग्रेन साइज क्या होते हैं, ग्रेन साइज अलग अलग होते हैं। 0 से 24 को लेते हैं हम कोर्स ग्रेन, 30 से जो 60 रहता है इसको लेते हैं मीडियम ग्रेन, 80 से 180 रहता है उसको लेते हैं फाइन ग्रेन, और 220 से 600 तक रहता है ना उसको बोलते हैं वेरी फाइन ग्रेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेन हो जाएगा। अब अगला रहता है ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड का मतलब क्या रहता है कि बील की हार्डनेस, ये हार्डनेस को शो करता है। देखिए ये आपको ऐसे रखना है, आईपी क्विज। ठीक है, तो ए से एच तक रहता है वो सॉफ्ट मटेरियल रहता है, आई से पी तक रहता है वो रहता है मीडियम बील। ठीक है, और क्यू से जो जेड तक रहता है वो रहता है आपका हार्ड बील। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन अ फ्लूइड मशीनरी द रिलेशनशिप बिटवीन द सैचुरेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसाइडेड द प्रोसेस। यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो किसको डिसाइड करता है फ्लूइड मशीनरी में, तो ये करता है कैविटेशन को।
फ्लो सेपरेशन किसमें हो जाता है? यदि आपका प्रेशर यानी कि लोअर साइड पर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वाटर हैमर तो क्या होता है, जैसे कि आपने टैप को चालू किया और अचानक उसको बंद कर दिया तो इसमें जो वाटर आकर टकराएगा उसको बोलते हैं क्या, वाटर हैमर। ठीक है, इसलिए जब भी आप टैप को जब बंद करते हैं ना, एकदम बंद करते हैं तो पाइप में कुछ आवाज आती कट टाइप की, वो इसी कारण आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनोडाइजिंग इज, एनोडाइजिंग क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या है, अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय अ हॉट डिपिंग, ये इसकी प्रोसेस है, या फिर अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस, अ प्रोसेस यूज्ड फॉर मिक्सिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील टू एक्ट एज अ बेस और प्राइमर फॉर एनिमल एंड पेंट्स, एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस यूज फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल। एनोडाइजिंग क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है जो किसके लिए यूज करती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस लेआउट इज बेस्ट सुटेड वेयर ऑटोमेटन ऑटोमेशन इज एम्प्लॉयड, मास प्रोडक्शन इज एनविसेज्ड, अ फ्यू नंबर ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस, या फिर मशीन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ फ्यू नंबर नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसका तो सही ऑप्शन क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ना, मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं प्रोडक्ट लेआउट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट के लिए, प्रोसेस लेआउट के लिए क्या यूज करते हैं, अ फ्यू नंबर ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट इज यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ब्लैंक ऑफ साइज ऑफ द गियर 3 mm एंड मॉड्यूल ऑफ द टीथ, यानी कि जो ब्लैंक है आपको उसका साइज बताना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन टीथ। तो यहां से मैं जो डायमीटर निकाल लूंगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू टीथ कितने दिए हैं, 40, यानी कि डायमीटर आ गया 120। लेकिन ये हमारे पास डायमीटर आया है, लेकिन इसने क्या पूछा है, ब्लैंक का साइज, यानी कि डायमीटर ऑफ द ब्लैंक, जो कि कितना हो जाएगा, d प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। ठीक है, तो d हमारे पास कितना आ गया, 120 प्लस 2 इंटू मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ब्लैंक का साइज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, अ बैग कंटेन 7 white, 6 red एंड 9 black ball, टू बॉल आर ड्रॉन एट रेंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल विल बी ब्लैक, यानी कि दो बॉल को आपने एक साथ निकाल लिया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ही बॉल आपकी ब्लैक रहे। देखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9c2, यानी कि 9 आपकी ब्लैक बॉल है अपॉन टोटल आपकी कितनी बॉल हो जाएंगी, 6, 7, 13 और 9, 22, है ना, तो क्या चांसेस हो जाएंगे, 22c2, ये आपके चांसेस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 into 8 और ये कितना हो जाएगा, 22 into 21। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 7 21। ठीक है, अब इसको भी मैं काट दूंगा किससे, 4 से, इसको 2 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, 11, तो ये कितना हो गया, 12/77। किस में आ रहा है, 12/77, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यदि ये ऐसे बोलता कि हम क्या करते हैं, दो बॉल को निकालते हैं और एक एक करके निकालते हैं, एक बॉल को रिप्लेस नहीं करते हैं, तो उसके लिए केस क्या हो जाता, यदि ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाता, 9c1/22c1 into, अब बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, दूसरी बॉल निकाल रहे हैं वो भी ब्लैक होना चाहिए, तो वो कितनी हो जाएगी, 8c1 और ये कितना हो जाता है, 21c1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब बताना है कि कौन सी प्रोसेस किसमें यूज होती है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा किसमें यूज होता है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करूंगा जिससे कि सारे ऑप्शन आपको दिखने लगें।
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चलिए, ये रहा एक साइड मशीनिंग प्रोसेस दी हुई है, दूसरा उसमें क्या यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूँ जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती है ना उसमें हम एब्रेसिव स्लरी यूज करते हैं। ये मेरा पास दो आ गया पहले का, तो ये सी और डी तो गत चले गए। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। अब इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैक्यूम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, तो जैसे ही पहले का दूसरा हो जाएगा और लास्ट का सी हो जाएगा यानी कि थ्री, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में केरोसिन यूज करते हैं और इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग में हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल इज 15 डिग्री एंड शेयर एंगल इज द 45 डिग्री। इफ कटिंग वेलोसिटी इज 35 मीटर पर मिनट देन द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चिप अलोंग द फेस। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, कटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू साइन फाई कॉस फाई माइनस अल्फा, जहां पर फाई होता है शेयर एंगल, अल्फा होता है रैक एंगल, और क्या होता है बी सी अपॉन वी। ठीक है, और क्या होता है, लेंथ ऑफ द चिप टू जो मटेरियल है उसकी लेंथ, इसका रेशियो होता है। इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, अब हमको केवल ये दो चीजें यूज करनी है। ठीक है, चलिए, तो फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन 45 जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, और कॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 माइनस 15 यानी कि, और वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, 35 मीटर पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अपॉन 10, 10 45 की 10 45 नहीं होगा, यह है साइन 45 और ये कितना है कॉस 30 इंटू 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, 28.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या, यदि गेट में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो आप ये समझिए कि इसरो के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए प्लस एसएससी जेई के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए, इसलिए गेट में जो भी क्वेश्चन आया ना उनको प्लीज ध्यान से सॉल्व करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया क्या आ गया, 28.5। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका आपको। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये आपको बताना है, ये आपके सामने मैट्रिक्स दी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं इसमें, पहली रो में भी वन है, दूसरी रो में भी वन है, तीसरी रो में भी वन है और चौथी रो में भी वन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली रो में से दूसरी रो घटा दीजिए, पहली रो में से तीसरी रो घटा दीजिए और पहली रो में से चौथी रो घटा दीजिए, तो ये सारा जो टर्म है ना वो जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब इस जैसे ही आप घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बच जाएगा, बी और यहाँ पर बच जाएगा, सी और यहाँ पर केवल बचेगा वन। मैं करके बता देता हूँ आपको, इसी का सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, आर टू रो में लिखूंगा लेकिन आर टू माइनस आर वन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आर थ्री रो में लिखूंगा और क्या करने वाला हूँ, आर थ्री माइनस आर वन करने वाला हूँ और आर फोर रो में लिखूंगा क्या करने वाला हूँ, आर फोर माइनस आर वन करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, वन 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 वन, ये ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, वन ए जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा, वन वन माइनस बी और सॉरी ये कितना हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए बच जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, 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 इसमें से इसको घटाएंगे माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो। ठीक इसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे जीरो और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सी। अब जैसा कि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट होते हैं ना वो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है, अब डायगोनल एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दिया हुआ आपके पास एक कोई मैट्रिक्स, आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको बताना कि कौन से जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अरे भाई छोटा हो जा, हाँ ये रहा छोटा क्वेश्चन, छोटू बना देते हैं इसको पहले, इसके बाद आगे की प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ये आपके पास हो गया है छोटू, तो इसमें आपको बतानी है कि कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है। चलिए जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमको जेड दिया रहता है तो सबसे पहले हम उठा के क्या करते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, एक्स प्लस आई वाई, इतना मैं रखूंगा। तो चलिए यहाँ पर रखूंगा एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस वन, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जेड माइनस वन है, जेड माइनस वन इज इक्वल टू फाइव आई थ्री, जेड माइनस वन जेड प्लस वन, यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड माइनस वन, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा जेड माइनस वन, एक तो ये टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, यहाँ से आ रहा है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, ठीक है। जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको जो मिलने वाला है वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनल जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए प्लीज, इतना तो आपको करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू बाय आई, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपको मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब इसमें लगाऊंगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाय अपॉन एक्स, तो ये जो वाला पूरा टर्म है ये एक्स को शो कर रहा है और ये बाय को शो कर रहा है, ऐसे ही लिखते हैं ना यार, टेन थीटा एंगल निकालने के लिए बाय अपॉन एक्स, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इसके आगे अप्लाई करूंगा मैं टेन थीटा इज इक्वल टू टू बाय अपॉन, टू बाय अपॉन ये लिखूंगा प्लस इसके अपॉन में ये लिखूंगा, तो ये वाला टर्म दोनों से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और जैसे कि हमको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है थीटा की पाई बाय थ्री, तो इसके बराबर हो जाएगा टेन पाई बाय थ्री, इतना समझ में आ गया। अब इसको टेन थीटा की वैल्यू में यहाँ पर रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा टू बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू पाई बाय थ्री, यानी कि सिक्सटी, और सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा टू बाय इजिकल टू टेन, कितना आ जाएगा पाई बाय थ्री, ठीक है, पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट थ्री। चलिए ठीक है, मैं क्या करूंगा इस वाले टर्म को उठाकर इधर ले जाऊंगा और इस वाले को इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा अभी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा टू पाई अपॉन रूट थ्री इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में, तो रूट थ्री का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना पड़ेगा, है, तो ये आगे इसके आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, ठीक है, अब इसको भी इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन रूट थ्री बाय माइनस वन इजिकल टू जीरो। अब देख लीजिए किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये किसी में भी नहीं आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने। इसमें आप बना लीजिए किसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री माइनस वन, या तो इसको बना लीजिए टू बाई थ्री, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, केवल इसमें टू बाई थ्री बना लीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, अ सिंपल माइक्रोमीटर इसको पिच दी हुई इसकी 0.5 mm एंड डिवीजन उसमें कितने दिए हुए हैं 0.5 ऑन द थिम्बल, द रीडिंग करेस्पॉन्डिंग टू 5 डिवीजन ऑन द बैरल एंड 12 डिवीजन इन द थिम्बल। देखिए इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में यदि समझाऊं, ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ूंगा, एक फिर से पढ़ूंगा, इसके लिए इन अ सिंपल माइक्रोमीटर विद स्क्रू पिच, स्क्रू की जो पिच दी हुई है 0.5 mm, यदि मैं स्क्रू को
एक बार घुमाता हूं, ठीक है, यदि एक बार घुमाता हूं 0.5 mm, पिच दी हुई, पिच का मतलब क्या रहता है, पूरा उसको एक बार आपने रोटेट कर दिया, ठीक है, पिच का मतलब यही रहता है ना कि आपने क्या किया, माना कि मेरे पास कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, इसको क्या मैं पूरा एक बार रोटेट कर दूंगा तो ये 0.5 mm का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑन द थिम्बल, यानी कि थिम्बल में जो डिवीजन है वो कितने हैं, 50, 50 डिवीजन है, लेकिन जब मैं 0.5 mm घुमाऊंगा तो वो कितनी डिग्री ट्रेवल करेगा, वो इतनी डिग्री ट्रेवल करेगा 0.5/50, यानी कि थिम्बल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब थिम्बल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया थिम्बल का केस। लेकिन अब मुझे बैरल में भी देखना पड़ेगा, द रीडिंग करेस्पॉन्डिंग टू 5 डिवीजन ऑन द बैरल, यानी कि जो बैरल में 5 डिवीजन है तो उसके करेस्पॉन्डिंग रीडिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो 0.5 mm में कुछ चल रहा होगा, लेकिन यदि मुझे 5 डिवीजन ट्रेवल करवाना है तो इसका मुझे बैरल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनली मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62। समझ में आ गया, मेरे पास जो पिच दी हुई है 0.5 mm दी हुई है, ठीक है। अब मैं 0.5 mm एक पूरा सर्कुलर टच करने में लगा देगा, और नंबर ऑफ डिवीजन थिम्बल में 50 है, तो मैं एक डिवीजन के लिए निकालूंगा तो डिवाइड कर दूंगा, और इसने कितने डिवीजन के लिए पूछा, 12 डिवीजन के लिए, तो ये हो जाएगा 12 डिवीजन का फॉर्मूला। अब मुझे बैरल में भी देखना पड़ेगा, तो बैरल के लिए कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 0.5, और कितने डिवीजन वो ट्रेवल कर रहा है, 5 डिवीजन, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2.62, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं देन यू आर जीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इट इज रिक्वायर्ड अ कट स्क्रू ऑफ थ्रेड 2 mm एंड पिच ऑन द लेथ, द लीड स्क्रू हैज अ पिच ऑफ 6 mm, द स्पिंडल स्पीड इज 60 RPM देन द स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू। अब मैं आपको यहाँ पर एक परम ज्ञान देना चाहूंगा, वो परम ज्ञान कुछ इस तरह है कि यदि आपकी जो स्पिंडल है, स्पिंडल की स्पीड है ना, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, स्पिंडल की स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्या ज़्यादा, यानी कि मोर, और लीड स्क्रू है उसकी स्पीड हमेशा कम रहेगी। जब लीड स्क्रू की स्पीड कम रहेगी तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, तो अब आप लगा लीजिए कैसे कम रहेगी, 60 RPM दिए हुए हैं, यदि आप 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 तक डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 RPM, यही हो जाएगा। यदि आप क्या करते हैं, 60 × 6/2 यानी कि 3, यानी कि 180 RPM, यानी कि आपको जो लीड स्क्रू है उसकी वैल्यू 180 RPM नहीं हो सकती है, कमी होगी हमेशा किससे, स्पिंडल स्पीड से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 mm। तो इस तरह यदि आपको फॉर्मूले भी नहीं पता है ना तो आप ऐसे दिमाग लगा के करिए, मजा आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मैथ्स का, ये मैंने मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए ले लिए क्योंकि जो आपका इसरो है ना उसमें क्वेश्चन आते ही हैं मैथ्स के, तो क्यों ना इनको भी साथ सॉल्व कर लिया जाए, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है यू इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू log(10x+10y), देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यू इज इक्वल टू log(10x+10y), ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें ये पूछा है, इसमें ये पूछा है। चलिए तो क्या करूँगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन में 10x+10y, और इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, और क्या हो जाएगा, 10x+10y। चलिए अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो क्या दिया हुआ है, sin 2x, sin 2x sec स्क्वायर x, और ये 10x+10y प्लस sin 2y दिया हुआ है यहाँ पर, sin 2y और sec स्क्वायर y अपॉन 10x+10y। देखिए नीचे एलसीएम सेम है तो ये नीचे कितना आ जाएगा, 10x+10y इतना आ जाएगा। अब sin 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x cos x, और sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos² x, ठीक है। एक से cos x कट जाएगा और sin x अपॉन cos x क्या आ जाएगा, 2
टेन एक्स। ठीक इसी तरह ये क्या हुआ, साइन टू बाय, साइन टू बाय को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन बाय कॉस बाय, और सेक स्क्वायर बाय को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर बाय, एक स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, और टेन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टू टेन बाय। तो यहां पर भी टू टेन एक्स है, टू टेन एक्स प्लस टू टेन बाय, टू को मैं भाग ले लूंगा और ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन बाय अपॉन टेन एक्स प्लस टेन बाय, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। तो इस तरह आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाई आर कंसिस्टेंट, यानी कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन दी हुई है कंसिस्टेंट होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जब कंसिस्टेंसी निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, मोड में इक्वल टू जीरो रख देते हैं। अब तीनों इक्वेशन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। चलिए अब मोड में मैं तीन इक्वेशन की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, टू लेमडा, टू लेमडा माइनस थ्री है ना, और ये जो टर्म दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा माइनस थ्री यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ इसलिए आपको मैथ्स के टीचर की तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैकेनिकल के क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको आसानी से आंसर दे दूंगा, लेकिन मैथ्स का मुझे उतना ही ज्ञान है जितनी मुझे जरूरत थी। ठीक है, इसलिए मैथ्स का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए उतना अच्छा शायद मैं मैथ्स एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। चलिए एक और इक्वेशन ये दी हुई है, इसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक इक्वेशन यहां पर कुछ छूट रही है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन 2x + 3 लैम्डा y = 0 + 4x - लैम्डा y = 0, ये इक्वेशन कौन सी छूट रही है ये मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। 3 - 2 1, कौन सी छूट रही है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बाकी हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो लिख ही लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी 4 है ना, ये हो जाएगी माइनस लैम्डा, और ये कितनी आ जाएगी 2। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास, चलिए मैं बुक में एक मिनट देख लेता हूँ, थोड़ा सा मिनट लगेगा इसको इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम दे। देखिए जहाँ तक मैंने सॉल्यूशन देखा है उसमें एक इक्वेशन ये दी हुई है तो उसको आपको ध्यान रखना है, 3 माइनस टू और 1, शायद ये कुछ इस तरह दी हुई गई होगी, 3x माइनस टू वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर मिसिंग है लेकिन आंसर जो मेरे पास है उसमें ये इक्वेशन दी हुई है, इससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रखूँगा आंसर बुक को इधर, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे सभी के साथ। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँगा, चलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा, यानी कि प्लस का लैम्डा हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस लैम्डा। देखिए इसका इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, इसके साथ और इसका इसके साथ, अब इसका इसके इसके साथ और इसका इसके साथ करूँगा, लैम्डा माइनस माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस एक्स, ठीक है इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी मुझे दो वैल्यू मिलेगी 3 एंड 6, जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एक और दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसमें एंगल, एंगल बताना है ए बी सी, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको एंगल बताना है। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल यूजिंग कोसाइन रूल, कोसाइन रूल का हम यूज करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पर आपको किस वैल्यू दी हुई है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 दिया हुआ है, तो इसमें हम ट्रायंगल का कोसाइन रूल यूज कर लेंगे तो यहाँ से हमको एंगल मिल जाएगा कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, मोड सी का स्क्वायर माइनस मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर अपॉन
टू मोड ए और मोड बी। तो सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 25 अपॉन 2। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना हो जाएगा 25। ओ स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये नीचे वाला स्क्वायर नहीं है, ए और बी है। तो इसका सही क्या हो जाएगा 3 × 5। जब मैं फाइनली इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, चलिए कर ही लेते हैं ना सॉल्व, 49 25 और 9 कितना हो जाएगा 24, 34 तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और ये भी कितना देगा 5 × 15 और दो, तो ये हो जाएगा 30 = 1/2। तो थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 किस में रहता है, तो थीटा इजिकल टू आ जाएगा π/3। π/3 कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमेज एट अ पॉइंट 1.3 इन अ प्लेन, एक इमेज दी हुई है, एक प्लेन दिया हुआ है, तो ये आपको बतानी है कि ये किस कहाँ बनेगी इस प्लेन में, ये वाली इमेज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए हो जाइए शुरू सॉल्व करना। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी इस प्लेन पर बनेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है ये आपको निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। हम कैसे करते हैं, ये प्लेन दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस, इसलिए लगा दिया माइनस, बाय के साथ माइनस है, 1 × 3 प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं है, 1 × 4 अपॉन, और नीचे वाली जो प्लेन दिया हुआ है ना रहता है ना, उसका एक्स वाई जेड के साथ जो भी कंपोनेंट दिया रहता है उसका मल्टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, √6। अब आपको क्या करना है, इसके साथ ये वाला पॉइंट लेना है, फिर ये वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, फिर ये वाला पॉइंट लेना है। जब आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो आपके पास फाइनल यही आंसर आ जाएगा। फिर से इस पॉइंट का इसके साथ प्लेन के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा 2 × −3 माइनस 1 × 5 प्लस 1 × 3 अपॉन, फिर वही स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 का। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, −6/√6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास −6। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके साथ जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दी हुई है, ठीक है, शायद इसके लिए एक और स्लाइड की जरूरत पड़े। चलिए एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या दिया हुआ, फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सी एफ नहीं निकालना है, केवल पी आई निकालना है इस इक्वेशन का आपको। ये आप कैसे निकालेंगे चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाय इजिकल टू क्या दी हुई है, sin 3x cos 2x अपॉन m² −4m + 3 इतना लिखेंगे। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा पहले sin 3x और cos 2x। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा मैं, sin 1/2 सबसे पहले तो आ जाएगा sin a + b और sin + sin a - b। ठीक है, चलिए तो sin a + b कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, तो कितना हो जाएगा sin 5x, और नीचे क्या आ जाएगा m² - 4m + 3 प्लस sin a - b यानी कि 3 - 2 कितना हो जाएगा sin x / m² - 4m + 3, और साथ में ये 1/2 रहेगा, तो इस 1/2 का पूरा के पूरा मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर वैल्यू रखूंगा मैं, माइनस
4 mE रहेगा, इसको डी कर लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएशन सही रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसका, तो डी करिए, डी ज़्यादा बेटर जमेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, जैसा कि हम सॉल्व करते हैं साइन 5x, और डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखूंगा, माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -25 -4d+3 sin x, और यहाँ पर कितना रहेगा, -1 का स्क्वायर, यानी -1 -4d+3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/2, और कितना आ जाएगा साइन 5x, और ये कितना आ जाएगा -4d -22, इतना आ जाएगा मेरे पास, चलिए प्लस साइन x अपॉन -4d+2, इतना आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 2 भाग ले लूंगा और यहां से भी 2 भाग ले लूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 1/2, माइनस का साइन भाग लीजिए, साइन 5x अपॉन 2d -11, और इसका मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2d+11, और नीचे भी क्या कर दूंगा, 2d+11। ठीक है, ठीक, इसका भी मैंने साथ में क्या किया, भाग ले लिया, और इसका भी माइनस सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2d -1, इसका साथ क्या करना है, फिर वही केस दोहराना, 2d+1 और 2d -1, यही आपको रिपीट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है, यदि ये ऊपर दिया रहता है डी, तो इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस 11 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/8/4 टेन कॉस 5x -11 साइन एक्स प्लस 1/20 साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब लगा लीजिए किसमें दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये थे हमारे इसरो के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग, जो भी हमने डिस्कस किए, किसमें किसमें डिस्कस किए, सेट 18 में डिस्कस किए। इससे पहले मैं 17 सेट बना चुका हूँ, पहले आप उनको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और समझ में आया हो तो दोस्तों को ही समझाएं, कैसे करना है, दोस्तों को कैसे समझाना है, बस कुछ नहीं करना, वीडियो को शेयर करना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए सेट 18 में। अब देखिए 2009 के जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो हमने डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में किस क्वेश्चन आएंगे, 2010 इसरो के क्वेश्चन। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।